नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। फिलहाल में हम हैं आलू मंडी छिबरामऊ में। आलू मंडी छिबरामऊ में प्रवेश कर चुका हूँ और आज दिनांक 4 मई है। हम देख पा रहे हैं लगातार आलू के दाम में उछाल आता जा रहा है और छिबरामऊ मंडी में आमदनी जो है बिल्कुल सुपड़ा साफ, ओनली एक का दुक्का ट्राई दिखाई दे रही है। जैसे मालूम पड़ रहा है कि आलू बिल्कुल अब समाप्त हो गया है। और इस वीडियो में अभी हम लोग छिबरामऊ मंडी और फरखाबाद मंडी और खानपुर मंडी का हालचाल जानेंगे, अदरवाइज वेस्ट बंगाल में क्या आलू का पोजीशन है, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल में आप लोग देख पा रहे हो आमदनी बिल्कुल भी नहीं है, रोडों पर बाकायदा सन्नाटा सा पसरा हुआ है और इधर ओनली एक ट्राई दिखाई दे रही है। अब आधा की पूरी मंडी अभी चल रहे हैं, देख लेते हैं कि पूरी मंडी में स्थिति क्या है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फरखाबाद मंडी की। फरखाबाद मंडी में आज जो आमदनी है, आमदनी समथिंग आपकी 25 से 30 मोटर की है और आलू का जो भाव है ख्याति और पुखराज वो आपका चल रहा है वहाँ पे 950 रुपए से लेकर और आपका 1170 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। 1170 रुपये आमतौर पे बिक रहा है, मानना कि इक्का दुक्का जो है 1185 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ है। वो इक्का दुक्का वो भाव नहीं माना जाएगा, लेकिन आमतौर पे 1000 से लेकर और 1170 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू का भाव वहाँ पर चल रहा है ख्याति और बोहराज का। लगभग आज सभी जगह के आलू के भाव में जो है उछाल लगभग 50 से लेकर 70 रुपए का उछाल देखने को मिल रहा है। बात बाकी अभी आप लोग इधर देख पा रहे हो। अब बात अगर हम लोग करें कानपुर मंडी की, कानपुर मंडी में कोल्ड स्टोर का आलू लगभग थोड़ा बहुत पहुंचा है, मतलब दो गाड़ी आज पहुंची हुई हैं, आगरा क्षेत्र की वो गाड़ी हैं, कोल्ड स्टोर से निकला हुआ है, मतलब जो भी गैलरी वगैरह खाली हुई होगी वो आलू पहुंचा है। तो वो आलू जो है आपका 525 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिका हुआ है कोल्ड स्टोर वाला कानपुर की मंडी में। बाद बाकी आपका ये डंप वाला आलू जो है वो आपका चल रहा है 470 रुपये प्रति मन के हिसाब से कोल्ड स्टोर वाला आलू चल रहा है। आमदनी वहाँ पे लगभग 20 से 25 मोटर की है। अब हम लोग छिबरामऊ मंडी को देख लेते हैं, छिबरामऊ मंडी की स्थिति क्या है। छिबरामऊ मंडी की स्थिति आप लोग आंखों से देख ही पा रहे हो, छिबरामऊ मंडी में हालचाल जो है ये हालचाल आपको सामने है, मतलब आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मोटर की लग रही है और भाव क्या है अभी पता करते हैं कि भाव क्या चल रहे हैं फर्क वो छिबरामऊ की मंडी में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 1-2 लाटें यहाँ पर लाल आलू की कटी पड़ी हुई हैं, ये शायद अभी बिक्री नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल में चल रहे हैं और पता कर लेते हैं कि अभी आलू का भाव इधर क्या। इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये ग्रेडिंग वगैरह हो रही है, मतलब कल का बिकाया बकाया होगा, इसकी बोरियाँ वगैरह चेंज की जा रही हैं और इधर ये लाल आलू है, ये बिका होगा अभी पता करेंगे। ये कैरेट बिका, लाल सिंदूरी पंचन ये बिका लगा साहब, ये है, ये भी डंप का है आलू, ये वाला बिका लगा हुआ है। हाँ, आलू बिका हुआ है। क्या रेट? 6000 रुपया। ये 600 रुपये? 500 रुपया। 500 रुपये कब बिका था, आज या कल? आज। ये आलू देखो भैया कौन सा है, ये लाकर। हाँ, ये लाकर आलू है और ये 500 रुपये मेगा बढ़िया आलू है, सुंदर, मतलब फ्रेश। ये देखो कि सफ़ेद नहीं क्यों बिका अभी, सफ़ेद सफ़ेद बिका है। कौन सा है सफ़ेद? वे कट रहे हैं वो। क्या क्या रेट आज बिका? बढ़िया आलू भाव 600 रुपये बगर के, मतलब ख्याति बुगराज 500 से लेके 600। ख्याति बुगराज
मतलब सब बढ़िया आलू 600 रुपए में चल रहा है, मतलब 500 लेके 600। और लाल लाल 4 साढ़े 4, लाल 4.5 500 है। आमदनी कितनी है आज छिपरो मंडी में? 5 मोटर की। 5 मोटर तो नहीं लग रही आज, 5000 मोटर ही है मतलब 5 मोटर 5000 पैकेट की या 5 मोटर की? 5 मोटर लगभग 2-3 हजार पैकेट है यार, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लोग क्या डुका के रखे हैं। अलग अलग एक मोटर गणेश के ले दे, एक पप्पू के ले दे, और 2 मोटर ले तुम्हारी पवन की, और का नाम 3-4 एक मोटर CTC की, लगभग 5 मोटर हो गई। 5 मोटर है इनकी लोड है। कई तो है सब गड्ढा गुल्ला गुल्ली है। अभी सफेद कोई बिका नहीं यहाँ पे? बिक गए वो तो, मोड़े बंद हुई है ना। कहाँ है वो सब बिके लगे हैं जगह छल्ली छल्ली। ये तो वो ग्रेडिंग करा जा रहा है, ये छेचक वाला है। और आज क्या गाड़ी लोड कर दी? पहली हो रही है अभी। बाद आके उधर देखते हैं छाया के नीचे भी होगा भैया। जहाँ तक मेरी जानकारी है छिबरों मंडी में जो आलू है भैया ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मोटर का है, क्योंकि आलू ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है छिबरों मंडी में। और आलू का भाव जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे, आपका 500 से लेके 600 रुपये में बिकेगा। क्या थी बुखरा 37-98 कोई भी सफ़ेद आलू बढ़िया है, तो लाल आपका है तो 400 से लेके 500 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिकेगा। इधर तो है नहीं, एक ट्राली वो खड़ी है, देखते हैं शायद कटी गई या नहीं। कई लोग आराम से छाया में आराम कर रहे हैं क्योंकि आलू नहीं आ रहा है, इसलिए अब तो इस मंडी में ओनली जो है आपका क्या बोला जाता मक्का और मूंगफली आना प्रारंभ होगा। आलू का काम तमाम हो गया और छिबराऊ मंडी में भी कोल्ड स्टोर खोलना प्रारंभ हो जाएंगे धीरे धीरे अब जल्द से जल्द। तो अभी हमारे साथ आलू आरती पंकज प्रसाद दुबे जी हैं और शायद नन्नीलाल लाजपुर नाम आपका है, तो ये दोनों लोग आलू आरती हैं। आज छिबरों मंडी में आमदनी कितनी है आलू की? आमदनी ऐसी होगी 2-3 मोटर, 2-3 मोटर की आमदनी होगी ना जी। और भाव क्या चल रहे हैं सफ़ेद आलू के? सफ़ेद आलू बिका है 580 रुपये, 550 रुपये, 500 रुपये, मतलब 500 से लेके 580 रुपये तक 37-97 होगा, 600 में बिक जाएगा। मतलब आमतौर पे अगर माना जाए सफ़ेद आलू जो 37-97 हो चाहे कोई सा हो 500 से लेके 600 मतलब रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिकेगा। अच्छा लाल लाल बिक रहा है, ये सिंदूरी है, ये मंगी है 500 में, ये पड़ी है सिंदूरी वो वाली साइड वाली, ये जी ये 500 रुपये बता रहे हैं। अभी बिका नहीं, अभी बिका नहीं है, अभी बिका नहीं। और ये वाला न्यू आइलैंड, ये आइलैंड 490 रुपये, 80 रुपये मंग रहा है, वो भी 500 रुपये मान मान के। जैसा कि बाहर की मंडियों से पता चल रहा है कि बाहर की मंडियों में लगभग आज 50 से लेकर 70 रुपये तक का प्रति कट्टा भी उछाल है क्या? पता नहीं बाहर की मंडियों क्या स्थिति है भाई, हमें तो पता है, हाँ सब लोग कह रहे उछाल है और है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ 2-3 दिन से यही रेट चल रहा, कोई बदलाव नहीं है। सफेद आलू पे उछाल है। अच्छा लाल आलू पे तो लाल आलू पे भी आज लगभग 50 रुपये का उछाल है। हाँ, नहीं नहीं इतनी मजबूती से नहीं है आलू, हालांकि अब आला मतलब आलू जो है कंचन तो वही 4-4.25 रुपये बिकेगी, अच्छी होगी। अच्छा अच्छा, तो अब कई दिन तक और ऐसा मतलब डग्गा मगी मारा चलता रहेगा ये आलू? ये समाप्ति की हो रहा है, एक हफ्ते बाद आलू मेरी समझ से मंडी में आएगा नहीं। हाँ, एक आज का 2-3 मोटर हो गई, एक आध मोटर आती रहेगी 2-4-6 दिन में और बात समाप्त। इसके बाद क्या होगा? मूंगफली आना प्रारंभ होगी। हाँ, मूंगफली और मक्का। मक्का अच्छा, गेहूं का भी रेट लोग पूछते हैं, गेहूं अभी आ रहा है क्या? गेहूं 2030 रुपये, 2030 रुपये। अच्छा, तो गेहूं वाले जितने किसान हैं भाई, गेहूं का जो रेट है 2030 रुपये प्रति क्विंटल। अभी हालांकि आ तो रहा नहीं होगा गेहूँ, कम आ रहा होगा। तो क्या लग रहा है कि अब आलू जो है कोल्ड स्टोर कब तक खुल जाएंगे? आज 4 मई हो गई है, 15 मई खुलेंगे, 1-2-3-4 है, 15 मई खुल जाना चाहिए। मतलब ऐसे तो पहले ही से खुले हैं, लेकिन सही से लोडिंग होना कब से प्रारंभ हो जाएगी? अब लोडिंग गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, 20 मई के बाद
इसलिए आलू जो है थोड़ा रुक नहीं पा रहा है। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला आलू अब लंबे समय के लिए नहीं लोडिंग किया जा सकता है, 3-4 दिन की लोडिंग पे अगर लोडिंग करेंगे तो ये लूज पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ठंडे आलू की डिमांड ज्यादा है बाहर की मंडियों में भाई। हाँ। तो उसकी डिमांड होनी चाहिए ना, तो अब तक तो अगर डिमांड है तो खुलना जाना चाहिए ना, कोल्ड अभी भी नहीं खुल रहे हैं, बात क्या है, कारण क्या है इसका? यहाँ भी कोल्ड स्टोर वाला नहीं मांग रहा है या इधर इस मंडी से ज्यादातर लोडिंग कहाँ की होती है? वो ये पूर्वांचल की, पूर्वांचल की लोडिंग होती है टोटल, पूर्वांचल की, बिहार की, आसाम, ये बंगाल की और छत्तीसगढ़, झारखंड। अच्छा इधर साउथ की तरफ कहाँ के आलू जाते हैं? साउथ के लिए अभी कोई लोडिंग नहीं। साउथ टोटल आगरा देता क्या? हाँ आगरा ही वाले जा रहा है। हाँ हाँ आगरा बेल्ट पूरा जाता है, आगरा मंडल मतलब।